अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस के चैनल पर खुश आमदीद। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में BPS 16 और 17 की शानदार 22 वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है। मेल फीमेल इस पर ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर परमानेंट ये जॉब्स हैं। एजुकेशन अगर आपके पास मास्टर हो, ग्रेजुएशन हो या शॉर्ट हैंड की स्पीड हो तो आप लाजमी इस जॉब पर अप्लाई करें। सैलरी भी आपको बहुत ज़बरदस्त दे रहे हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर तो आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस भी कर दें ताकि जब भी मैं कोई फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जॉब अपने चैनल पे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मौसूल हो सके। इसके अलावा आप मेरे चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस भी विजिट कर सकते हैं। इसमें बेशुमार फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब पर वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, इन्हें पर आप वॉच करें, चल आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो देखते हैं आज का जॉब एडवर्टाइजमेंट, ये आप देख सकते हैं जी। ये आप देख सकते हैं जी, सिचुएशन वैकेंट। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 की 3 वैकेंसीज हैं। ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और कंडीशन आपके सामने हैं। मास्टर हो आप सेकेंड क्लास, उर्दू शॉर्ट हैंड की स्पीड आपके पास हो, 6 मंथ का डिप्लोमा हो, मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स है। इसके अलावा शायद आपको रिलैक्सेशन ये दे दें गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक भी। ये देखें, रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज लिमिट इज़ एडमिसिबल अंडर द रेलिवेंट रूल्स, यानी कि आपको 5 साल की रिलैक्सेशन गवर्नमेंट फर्दर देगी, 25 साल प्लस 5 साल। असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरप्रिटेशन BPS 17 एक वैकेंसी है। अपनी क्वालिफिकेशन और कंडीशन देख लें, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो लाजमी इस पर अप्लाई करें। असिस्टेंट डायरेक्टर रिपोर्टिंग इंग्लिश 2 वैकेंसीज हैं। सेक्शन ऑफिसर की 7 वैकेंसीज हैं। ट्रांसलेशन ऑफिसर की 3 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी 6 वैकेंसीज हैं। आपने ग्रेजुएशन की और शॉर्ट हैंड आपके पास हो। अच्छा, ये देख लें जी, ओनली दोज कैंडिडेट विद वैलिड डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है अच्छी रिकॉग्नाइज से तो अप्लाई करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉई थ्रू प्रोफेशन अप्लाई करें। एज रिलैक्सेशन 5 साल की मजीद आपको दी जाती है गवर्नमेंट रूल के मुताबिक। अच्छा, जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म इनका होगा, वहाँ पर अपनी एक CV अपलोड करनी है आपने, एक रजिस्टर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ऑन HSTP की, ये जो देख रहे हैं आप वेबसाइट site.google.com/pna.gov.pk/data-source-unit/home। 15 दिन के अंदर अंदर आपने इस वेबसाइट पे अप्लाई करना है। सेम यही आपने गूगल में ऊपर सेंड करना है। अप्लीकेंट एक से ज़्यादा पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे सेपरेट लिखा हुआ है और सब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ले चलता हूँ। सेव हमने वैसे ही आपने ऊपर टाइप करना है। एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से डाउनलोड करके इसे खुद भी रीड कर सकते हैं। अप्लाई आपने इस फॉर्म पर लिंक पर क्लिक करना है, ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। ऐसा लिंक आपके सामने मैंशन हो जाएगा, किसी ईमेल के थ्रू आपने यहाँ पे साइन इन होना है। जिस पर डिज़ायर पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं इस पर क्लिक करें। अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज अपनी बताएं। एज रिलैक्सेशन अगर आपको इस कम्युनिटी से या इस कैटेगरी से आपका ताल्लुक है तो कैटेगरी लाजमी इसको बताएं कि एज रिलैक्सेशन आपको फर्दर मिल सके इसके ऊपर। CNSE, पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, डोमिसाइल बताएं अपना। रिलीजन, जेंडर, क्वालिफिकेशन अगर PhD की अच्छी है इसमें नील लिखें, अगर मास्टर 18 ईयर है तो नील लिखें। क्वालिफिकेशन अगर 16 ईयर आपने की है या बैचलर है आपके पास तो वो फॉर्मेट आपको बता रहा है, आपने इस तरह टाइप करना है। पहले आपने Serial Number 1 एजुकेशन का नाम लिखना है, डिवीजन लिखनी है, उसका कंप्लीशन ईयर और इंडस्ट्री का नाम सेम आप ऐसे टाइप करना है। अगर एक से ज़्यादा है तो एंटर करके नंबर 2 पे ऐसे टाइप करें। बैचलर को ऐसे सेम टाइप करें इस फॉर्मेट के ऊपर। डिप्लोमा अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस का है TAT का तो आपने सेम इस फॉर्मेट पर करना है, एक से ज़्यादा है तो एंटर करके और ऐड करें। एक्सपीरियंस आपने सेम इस तरह का ऐड करना है, यानी पहले पर डेस्टिनेशन का नाम, ग्रेड, डिपार्टमेंट नेम और अपनी ये जो है लेंथ, आपकी सर्विस कब से स्टार्ट हुई। अगर अभी तक सर्विस में है तो 2 डेट लिखें, अदरवाइज यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस अपना लिख लें, 9 ईयर 4 ईयर जितना भी है। एक यहाँ पे पिक्चर आपने अपलोड करनी है, वह MB से मैक्सिमम ना हो। अपलोड और डिटेल CV आपने अपलोड यहाँ पे करनी है, वो भी PDF फॉर्मेट में लाजमी हो। और कहते हैं अपलोड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डिग्री एंड सर्टिफिकेट डिप्लोमाज, जितने भी आपके मेट्रिक से लेके मास्टर तक या ग्रेजुएशन के जितने भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री आपके पास है उनको आपने 1 PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे अटैच करना है। PDF पे कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे लिखना है गूगल में MS2 PDF ऑनलाइन। ये स्मॉल PDF एक वेबसाइट आपके सामने आएगी, इसे आपने ओपन करना है। आपनी अपनी इमेज यहाँ फ्रॉम डिवाइस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपकी तमाम डॉक्यूमेंट जो होंगे ना उसको एक PDF में 1 फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। इसे आपने यहाँ पर अपलोड करके सबमिट पर क्लिक करना है तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।